अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आइए आज बनाएंगे चिकन शुआ। चिकन शुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक चिकन ली है और उसको मैंने दो हिस्सों में कट किया है। सिर्फ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, बस मैंने ये ऐसा कट किया है, दो हिस्से कर दिए हैं, एक लेग पीस और एक ब्रेस्ट पीस जो है एक तरफ है, और दूसरा वैसे ही मैंने दो हिस्सों में कट कर दिया है। उसकी स्किन जो है वो मैंने निकाली नहीं है, क्योंकि स्किन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बीफ शुआ की रेसिपी में बताया था कि इसमें चर्बी यानी फैट का होना ज़रूरी है, तो ये जो स्किन है इसकी चिकन की, ये फैट के तौर पर काम करेगी। एक कप मैंने शुआ का मसाला लिया है। शुआ का मसाला कैसे बनाना है उसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दो अदद मैंने बनाना लीव्स यानी केले के पत्ते लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ये चिकन का पीस जो है एक प्लेट में लिया है और हाथ में फोक ले लिया है। इसको पहले हम ऐसे पोक कर देंगे ताकि थोड़ा सा होल्स हो जाए गोश्त में। बस ये ऐसे। अब मैंने यहाँ पर ये जो शुआ का मसाला है ये लिया है और इस चिकन के ऊपर मैंने ये मसाला रखना है और इसको स्प्रेड करना है और अच्छी थिक लेयर जो है मसाले की लगा देना है, कोट कर देना है उसको अच्छे से, मतलब बिल्कुल मोटा सा मसाला लगाना है। दूसरी तरफ से टर्न करके भी हम ऐसे ही अच्छे से मसाला लगा देंगे और अगर कहीं गैप दिखता है तो वहां पे मसाला भर भी देंगे हम। ये चिकन पूरी मसाला लगा के हो गई है। अब मैंने इसको केले के पत्तों पर रखा है और इसको मैंने फोल्ड करना है संभाल कर। ये ऐसे मैंने फोल्ड कर लेना है, ये देखिए फोल्ड किया। अब उसके बाद कोशिश करना है कि चारों तरफ से सही से फोल्ड हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको एल्यूमिनियम फॉइल पे रखा हुआ है, उससे भी मैंने इसको टाइट पैक कर देना है। अब मैंने इसको दूसरे एल्यूमिनियम फॉइल पर रखा है और इसको भी मैंने टाइट लपेटना है। दो एल्यूमिनियम फॉइल लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये अंदर बिल्कुल सेफ रहे, इसके जो जूसेस हैं वो बाहर ना निकले और शुआ जो है वो अच्छा सा बन जाए अंदर। ये हो गया है हमारा। अब मैंने इसको अवन में डाल दिया है। अवन मैंने प्री हीट करके रखा था 140 डिग्री सेल्सियस पर, जो सबसे कम हो टेम्परेचर उस पे जो है आपको अवन सेट करना है। और अगर आपका चूल्हे वाला है, जैसा कि ये गैस वाला है, इसमें भी सेल्सियस बताता है। मैंने 140 डिग्री यानी जो सबसे कम था उसके ऊपर मैंने इसको सेट किया है। जितना आप उसको कम टेम्परेचर रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब मैंने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पकाना है, कम से कम 1.5 आवर इसको पकाना जरूरी है, बिल्कुल भी धीमी आंच पर। 2 घंटे हो गए हैं, ये हमारा चिकन शुआ तैयार हो गया है। आइए अब हम ये चिकन शुआ खोलते हैं। जैसे कि बताया, ये बहुत गर्म है, अभी थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं, 10 मिनट इसको खोलकर ऐसे हम वेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि भाप निकल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए। अब मैं ये सीज़र इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि मैं ये जो पत्ते हैं वो कट कर दूँ तो खोलने में आसानी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं चिकन शुआ हमारा बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं चिकन शुआ जो है बिल्कुल भी तैयार है। इसको आप मंदी राइस के साथ, काबुली चने के पुलाव के साथ या किसी भी और पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मसाला भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा हुआ है, भाप बहुत ज़्यादा निकल रही है। इसको घर पर एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आइए चेक करते हैं कि ये चिकन का पीस कितना गला है या कैसे गला है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एकदम आसानी से पूरा, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से एकदम गल चुका है और पूरे नीचे इसके जो है जूसेस उसके आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए जो पूरा जूस है इसका, ये आप चावल के ऊपर अगर इसको पोर करेंगे तो चावल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। और इसमें बनाना की जो पत्ते हैं, जो केले के पत्ते, उसकी भी हल्की सी खुशबू होती है, तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है।
ये बहुत ही आसान सा चिकन शुआ आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।